15 साल पुरानी पहाड़ी ताड़ की पेड़ को ढूंढ कर और पेड़ को तराश के हमने पहाड़ी ताड़ के पेड़ से एक बहुत ही दुर्लभ शराब निकाली है। बड़े लोग कहते हैं कि अगर एक हफ्ते तक पेड़ की शराब का इस्तेमाल लगातार किया जाए तो शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। ताड़ के पेड़ों से शराब निकालने के लिए अग्रहायण के महीने का आखिरी मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है। इन दिनों में ताड़ के पेड़ पर लगे फलों तक दूध पहुंचता है। इस तरह का 15 साल पुराना पहाड़ी ताड़ का पेड़ शराब निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है। अब पेड़ से शराब निकालने के अनुसार पेड़ से तना अलग कर लें। इस पहाड़ी ताड़ के पेड़ की पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं और बड़े कांटे भी होते हैं। अब हम तना के सफेद हिस्से को देख सकते हैं। सफेद हिस्सा दिखाई देने के बाद एक तेज चाकू से पेड़ को तराशना शुरू कर देंगे। अब हम पेड़ के गीले हिस्से को अपने हाथों से छूकर महसूस कर सकते हैं। इस तरह तराशकर पेड़ को 15 दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। ताड़ के पेड़ दो तरह के होते हैं, पहाड़ी ताड़ के पेड़ और बड़े ताड़ के पेड़। जिस पेड़ से हम शराब निकाल रहे हैं उसे पहाड़ी ताड़ के पेड़ कहते हैं। जिन बड़े ताड़ के पेड़ों को हम जानते हैं वे ज्यादातर खजूर के पेड़ हैं, जिनका उपयोग शराब निकालने के लिए भी किया जाता है। ठीक 15 दिनों के बाद पेड़ शराब निकालने के लिए तैयार हो गया है। अब फिर से उसी जगह पर चाकू से उंगली की गहराई तक तराशें। अब एक लकड़ी के टुकड़े को काट कर शराब को उतारने के लिए पेड़ पर लगा दें। अब उतारते शराब को जमा करने के लिए एक बर्तन को पेड़ से बांध दें। शराब की महक मधुमक्खियों और कीड़ों को आकर्षित करने लगेगी। बर्तन को ढक दें ताकि मधुमक्खियां और धूल बर्तन में न गिरे। हर दूसरे दिन पेड़ को तराशते रहें। 5 दिन तक करीब 1 लीटर शराब निकाली गई। इस पहाड़ी ताड़ के पेड़ में शराब की मात्रा कम होती है। अगर पेड़ को ज्यादा गहरा काटा जाए तो पेड़ मर जाएगा। अगर यह शराब ज्यादा खट्टी हो जाए तो बहुत नशीला हो जाता है। उसी बर्तन में चूना लगाकर भी हम नीरा निकाल सकते हैं। उस नीरा से हम गुड़ की कैंडी भी बना सकते हैं। इस शराब के साथ आंवला, बैंगन और सूखी मछली बहुत स्वादिष्ट होती है। ताड़ के पेड़ की शराब बहुत ही कम मिलती है।